होने की जरूरत है ना। हमने 48 में कुछ करा, वो तो सरकार का प्रोग्राम था कि किसानों को हताश कर दो, क्योंकि किसान मनोबल जल्दी तोड़ दे। भाई थारे से कुछ हो गया, अरे कुछ नहीं करा हमने। हमारा इशू है 3 बिल वापसी हो जाए, MSP पे कानून बने, बिजली वाला है, पुराल वाला है, जो सीट बिल है, और जो सरकार और पुलिस लेकर आ रही है उस पर बातचीत करे। यही तो हमारे मामले हैं, गन्ने पे है, हरियाणा में है भाई, शुगर फैक्ट्रियों की कैपेसिटी बढ़ जा, ये है हमारे सारे सवाल। इस पर उलझाने की एक लगा जी, एक धार्मिक वो लगा दिया वहाँ पर, उस पर तुमने बहुत बड़ा वो कर दिया। अरे कोई हम किले पे किसानों ने वो करके कब्जा कर लिया किले पर, और सरकार हमारी आ गई, हम सब चीज तय करेंगे, उससे क्या मतलब हमारा? हमारा मतलब है कि जो सरकार ने बिल बनाए हैं उन बिलों को वापसी ले लो। ऐसी जगह गोदाम बना दिए, अरे रुक जाओ, ये स्टेज वाले नहीं मान रहे, और तो मान रहे, पब्लिक मान रही, स्टेज नहीं मान रहा, क्या मामला, कौन कौन है, एक कहा के है, कौन कौन है की तलाश करो। लगेगी भूख आदमी को कितनी लगेगी, भूख के आधार पे कीमतें देश में अनाज की तय होगी। जो मजदूर आदमी हमारा, जो भूमिहीन किसान है वो बर्बाद होगा। जिसको अनाज रोटी आटा खरीदना है वो बर्बाद होगा, जो शहरों में हमारे लोग रह रहे वे बर्बाद होंगे। किसान को तो अपनी चलो कीमत है, कमती बत्ती हो जाएगा बर्बाद। तो ये आंदोलन तो कंज्यूमर का है, जिसको आटा बाजरे का आटा आप सोच सको, यहाँ पे 11 रुपये किलो बिक रहा, वहाँ दिल्ली के मॉल में 120 से 160 रुपये किलो बिक रहा, कोई मान जाएगा? और बोला 130 रुपये किलो बाजरे का आटा, और हमारे से 11 रुपये किलो। इनको इसकी दिल्ली की तो कील काट देंगे, एक कील काट देंगे दिल्ली की। वे फिर कहेंगे तुमने दिल्ली कील काटने की बात करी, यहाँ काट दी भाई, जो तुमने कील काट दी, एक कील दिल्ली की काट के बिना आवड़े गए नहीं, हम काटेंगे कील। अपने आंदोलन को मजबूत रखो, दिल्ली पे निगाह रखो, एक निगाह रखो अपने खेत पर, एक रखो दिल्ली के आंदोलन पे, ठीक है? वहां पे संख्या बढ़ाना कम हो, और उनको क्या सप्लाई है, देखो हरियाणा जितना मजबूत है ना, और जिस तरह से हरियाणा हर चीज में मदद करता है, वो चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, या उससे पहले जो शासक यहाँ पर आए आक्रमण कर रहे उनका इलाज करना हो, तो जो खाप पंचायत सिस्टम हमारा यहाँ पे है, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट, और जो पंजाब के लोग आपका साथ में आए, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं, इनकी ऐसी कोड़ी भरकर आंकड़ा सरदारों की, ये ठेबंदी तो अभी का मिली। देखो हमारे पास सब कुछ था, हम अनाज गांव में इकट्ठा करके दे आएंगे, दाल दे आएंगे, लस्सी दे आएंगे, जो ठेबंदी थी ना, जो लंगर भंडार चलाने की हमारे पास या नहीं थी, ये आपका बहुत बढ़िया मिल गई, इन्हें किसी कीमत में नहीं छोड़ना, या नहीं छोड़नी, ये सरकार तोड़ने की कोशिश करेगी, इनसे बच कर रहना बस, इन्हें सरदारों की ऐसी कोड़ी भर लो कि इन्हें नहीं छोड़ना। ये आंदोलन 800 किलोमीटर दूर भी चलेंगे ना, तो ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली के साधन बन गए, इसमें जी लगा लगा आंदोलन करने जब जा करेंगे ना, वहां पे सब अपना जोड़ दिया चलो, ये तो पता करे भी ना हो ही नहीं, कहाँ जरूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश में जरूरत, चलो क्या दिक्कत है, 1000 किलोमीटर दूर है, 5 दिन में चले जाएंगे। हाँ ये बना कर रखना, अभी से गठबंधन को ना तोड़िए, सरकार का तो इलाज हो गया, उसका तो चारों तरफ से दिल्ली को बांध रखा, तो नहीं बना हमने बंगाल का प्रोग्राम, वो पूरे पूरे देश में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, आंध्रा जा रहे हैं, और कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर निकले कर्नाटक में, बेंगलोर में आप अंदाजा कर सकते हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मतलब 100 किलोमीटर की यात्राएं ट्रैक्टर से निकाल रहे, ये ट्रैक्टर ही इस आंदोलन की जान है, ट्रैक्टर
जैसे मिलिट्री की जान टैंक है, किसान का ट्रैक्टर है, खेत को बंजर जमीन को पाट तोड़ करें और इससे कम खर्चा है। लोग कहे जी तुम तो इसे लड़ाई का करो, मगर ना तो भी चला ले भाई। पॉलिटिकल वाले आदमी ने क्या करके भागे में रैली करते थे, बस देने लगे थे, हमारा इलाज हो गया था। हमने आंदोलन को ट्रैक्टर से जोड़ा, कम खर्चा, डीजल अपना 5 लीटर घेर लो, ठक 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 कर कर अपना चला गया। इनका क्या कुछ खर्चा, 50-20 आदमी बैठ गए, कुछ खर्चा ही नहीं। लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया किसान का ट्रैक्टर, अपने को बढ़िया मॉडिफाइड करो, ट्रोली पे जो इक्विपमेंट है उस पर अपना रंग रूम करवा कर रखो। अब अगला टारगेट ये भी रहेगा, हम गाँव में जा करेंगे, जो बढ़िया रंग करेगा अपने खेत औजारों पे उसको देखने जा करेंगे। गाँव में किसी भी गाँव में चले गए, ये देखेंगे किसने अपने खेत के औजार अच्छी जगह रख रखे, वे छाया में हैं, उन पे रंग बढ़िया है, उन पे बेकतरी तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी देखा करेंगे। गांव के लोग देखा करेंगे, जो हमारे बुड्ढे हैं वे देखा करेंगे, तो चला करेंगे भाई। अब वो जो प्रोग्राम हो करेंगे ना, ये भी हो करेंगे जिस गांव में जाएंगे, किसने अपने ट्रैक्टर ट्रोली पर रंग बढ़िया कर रखा, किसने अपने औजार ओस धूप से बचा के मकान के अंदर बरामदे में रख रखे, ये सारी चीज़ों की निगाह रखनी है हमें। खर्चा हमको कम करना है, नशे पत्ती से भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, आपस के जो झगड़े हैं उनको बंद करना पड़ेगा और आंदोलन पर निगाह रखो, दिक्कत कुछ नहीं है। 40 लोग की जो जत्थेबंदी हमारी है वो पूरी कमजोर कड़ी एक नहीं, उसमें ऐसा मजबूत तो गठबंधन मिला ही नहीं कभी, ऐसा नहीं मिला, ये मिल गया। और पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, दिल्ली से पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। और ये लड़ाई जब तक बिल वापसी नहीं होने की, एमएसपी से कानून नहीं बने, और चीज़ों पर कमेटियां नहीं बनने की, भारत सरकार जब तक सम्मान रूप से समझौता नहीं करने की, जब तक हम वहीं रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अरे और गुरुद्वारों का तो भाई, हाँ भाई, हरियाणा का नौजवान क्रांतिकारी, यहाँ की खाप पंचायत क्रांतिकारी है, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का दुकानदार, उनकी लड़ाई है, ये सब लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि टिकैत साहब राजनीति करेंगे आगे जाकर, ना ना, हमारा भरोसा कोई ना नहीं है कि यहाँ से इस आंदोलन से वोट तलाशते कोई ना हमें, ये आंदोलन किसान। मनोहर लाल खट्टर, नहीं नहीं, मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा है कि टिकैत साहब यूपी में जाके लोगों को समझाएं, हरियाणा में कुछ क्षेत्र ना बनाए, है ना, हम तो क्षेत्र की मिट्टी को तिलक करके चले, पूरे देश में जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, चुनाव है वहाँ, नहीं वहाँ नहीं जा रहे हम, चुनाव में तो फिर लोग ये कहेंगे चुनाव में जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। अगर सरदार भगत सिंह आंदोलन जी भी थे तो हम भी हैं, अगर देश में क्रांतिकारी जिन्होंने आंदोलन करके देश को आजादी दिलवाई, वे आंदोलन जीवित थे तो हम भी हैं, अगर ये जो शहादत हुई है किसानों की, आंदोलन जीवित है तो हम भी हैं। कैसे आज दीप सिंह को अरेस्ट कर दिया, करनाल से अरेस्ट किया गया, क्या कुछ कर दिया होगा भाई, पता वीडियो इसकी चाल अगली बातचीत होगी, जल्द होगी, आपको लगता है पता नहीं, अभी अक्टूबर का टाइम दिया सरकार को, हम अक्टूबर तक आंदोलन की तैयारी करेंगे और सरकार को बात करनी होगी, हमारे पंच है उनसे बात करनी। आपने गांधी जयंती तक का टाइम दिया, 2 अक्टूबर, हाँ 2 अक्टूबर का। आप प्रधानमंत्री जी कल रोए भी एक भाषण देते हुए, क्या लग रहा है आपको, एक तरफ आपकी आंसू की कमिश्री थी, एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने रोकर दिखाया? नहीं रोए क्यों भाई, थोड़ा सा अरे व्यापारी का क्या, क्यों रोए देश का प्रधानमंत्री, किसानों का कारण का कहते हैं कि गलती होगी, बिल वापसी दे लिए और मैं किसानों के बहुत गलत करा, उनके मारपीट करी उनके साथ में, सड़क खोदी, एनएच का नुकसान करा। आज उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत यूपी में जाकर समझाएं, क्यों हरियाणा में क्या बेन है, मैं तो हरियाणा का ही तो रहने वाला, हमारा जो गांव था पुराना वो लाना है, तो हम तो हरियाणा के ही तो हैं, अगर हम वहाँ गांव चले गए मुजफ्फरनगर में तो ऐसा थोड़ा कि हम वापसी नहीं आ सकते, हाँ बल्लाना गांव है हमारा, ऐसा पूरा देश है भाई हमारा, तो सब जगह जाके। राकेश जी जो सोशल मीडिया के ऊपर लगातार जो है आपके खिलाफ, पहले सिखों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी कि सिख आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी है, और आज जो है आपके खिलाफ भी जो है सोशल मीडिया के ऊपर लगातार प्रचार किया जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है, क्या कहना चाहिए? प्रचार तो कर रहे, कुछ कर ही रहे, कम जाओ। एक तोले सोने के बदले बोलते हैं कि राकेश टिकैत कहते हैं 3 जो बोरी है गेहूं की वो 1 तोले सोने के भाव में मिलनी चाहिए, वो 1968 का फार्मूला था, ये
1968 में 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना मिलता था। तो हमने कहा कि जैसे सोने के या दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं, जैसे MPML की वो तनख्वाही बढ़ी है सैलरी, उसी तरह से फसलों के रेट बढ़े, ये हमने कहा उसका फार्मूला। कुछ लोग जो झूठ में झूठ बोलते हैं लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या करते हैं? जिसको जो बोलना हो बोलने जाओ, आप उन पर ध्यान ना दो। किसान के गांव में बहुत नुकसान किसानों को हो रहा है, किसान अपने खेती पर ध्यान दे और आंदोलन पर ध्यान दे, आंदोलन कामयाब होगी। एक बड़ी किसानों की लड़ाई है, किसी के बहकाव में हताश होने की जरूरत नहीं, लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। ये जो आंदोलन है ये कब तक आपको लगता है? ये 2 अक्टूबर तक का अभी सरकार को टाइम दिया है, उसकी प्लान बनाए कि 2 अक्टूबर तक तो चलेगा। किसानों के आंसू थे, किसान के मेरे नहीं थे। मेरा क्या है, मैं भी एक किसान हूँ, मैं गन्ने का गया हूँ, किसान हूँ मैं तो। ये तो देश के किसान के आंसू थे मेरे। जो ये संसद को घेरने का आप दोबारा बढ़ाया गया था, संसद को घेरने का प्लान जो है वो अब खत्म हो चुका है क्या? नहीं, अब वो नहीं हमारा। अब नहीं।